प्रयागराज से खबर, जहां मुख्तार अंसारी गैंग पर कानून का शिकंजा कसा है। ईडी ने मुख्तार के खास शकील हैदर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जेल में बंद शकील हैदर की संपत्तियों को ईडी जब्त भी करेगा। फर्जी कागजात से 25 करोड़ लोन लेने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। बैंक धोखाधड़ी मामले की सीबीआई की जांच के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्तार अंसारी गैंग पर कानून का शिकंजा कसा है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, ईडी ने मुख्तार के खास शकील हैदर के खिलाफ भी शिकंजा कस दिया है, अब क्या जानकारी है? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले बाहुबली मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा गया, अब उसके गैंग की बारी है। तो मुख्तार अंसारी का जो बेहद खास था, उसका गुर्गा शकील हैदर नाम का, जो इन दिनों लखनऊ की जेल में बंद है, उसके खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूरा मामला 25 करोड़ रुपए के लोन का है। पंजाब नेशनल बैंक से ये लोन लिया गया था फर्जी कागजात के आधार पर। इस मामले में सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया था। सीबीआई ने इसी साल 3 फरवरी को इस मामले की जांच शुरू की थी और सीबीआई ने जो केस दर्ज किया गया है उसी को आधार बनाकर ईडी ने भी मुकदमा दर्ज किया है। अब इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और ईडी के जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही जो दूसरे गुर्गे हैं या इस गिरोह से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। जाँच के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है, मुकदमा तक दर्ज किया जा सकता है। चलिए ठीक है मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।